कैसे मतलब आ गया फिल्म? नहीं, मैदान ऑब्वियस है, दो अलग मैदान है, लेकिन जब बैन था मेरा उस वक्त ये सोचा गया, ये मौका मिला तो मैं क्या, कोई भी आता इस, कौन नहीं आएगा इस जगह पे। इससे पहले भी आप फिल्म करे थे सुनील के साथ, फिर ये दूसरी फिल्म, वो फिल्म क्यों रुक गई? उस प्रोजेक्ट एक्सटेंडेड प्रोजेक्ट है, उसमें थोड़े स्क्रिप्ट में चेंजिंग हुई है और जो उसका पोजीशनिंग है उसका मेरे बारे में मेरे को इतना आइडिया नहीं, लेकिन सुनील के साथ ही प्रोजेक्ट है। खेल में क्या किरदार? क्या खेल में किरदार? एक दोस्त हूँ मैं सुनील का, और वो आगे बढ़ती है पिक्चर तो दोस्ती में दरार आती है, और वही प्यार मोहब्बत है बीच में, और सुनील का काफ़ी एक्शन है। फिल्मों में आने से पहले कुछ आपने कुछ ट्रेनिंग ली या डांसिंग, जैसा डांस करना पड़ता है? नहीं, इतने सालों से कर रहा था मैं, वो 16-16 कैमरे लगे होते थे वहाँ, एक्टिंग करते आए इतने टाइम से, तो यहाँ एक ही कैमरा है। बताइए एक्सपीरियंस कैसा रहा थ्रू आउट? नहीं, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, और एक एजुकेशनल फेज ऑफ लाइफ भी रहा है, क्योंकि जब आप किसी भी इंडस्ट्री से दूर हों या बाहर से जो बातें सुनते हैं तो बड़ा आसान लगता है कि यार ये तो फिल्म वाले क्या करते हैं, बड़ा आसान काम है, ये है वो है, लेकिन यहाँ आके काफ़ी कुछ सीखने को मिला है कि इतना आसान नहीं, और काफ़ी लोगों की मेहनत जाती है, जो आप फाइनल प्रोडक्ट देखते हैं उसमें जो शॉट दिखता है उसके पीछे अगर आप देखें तो यहाँ कम से कम 250-300-400 लोग हैं जिनकी मेहनत जाती है वो एक एक सेकंड के शॉट के लिए, तो काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, काफ़ी इन्जॉय कर रहा हूँ। हमने कोस्टार्स के बारे में बताएंगे, कोस्टार्स के बारे में कैसे रहा? कोस्टार्स सारे बहुत बढ़िया हैं, सुनील को आप देखा ही है आपने अभी, और सनी जी हैं वो भी बड़ा कंफर्टेबल फील करने देते हैं, और सलीना है और दादी हैं, तो सबके साथ काफ़ी इन्जॉय किया। यूसुफ जी के बारे में बताएंगे? यूसुफ जी बड़े कड़क डायरेक्टर हैं, मानते नहीं हैं मेरी बात, लेकिन अभी मेरा पहली बार उनके साथ इंटरेक्शन है, और बल्कि कंपेयर करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है क्योंकि मैंने और किसी के साथ इतना काम नहीं किया कि मैं कह सकता हूँ कि ये ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन काफ़ी कड़क आदमी है। फिल्म के दौरान कोई मुश्किलें आई कोई सीन में? कोई रोज़ ही मुश्किलात आती है, कोई सीन आसान नहीं है, यहाँ पे हंसना हो तो भी मुश्किल है, रोना हो तो भी मुश्किल है, तो मुश्किलात तो आती रहती है, लेकिन कोई भी काम करेंगे आप तो सीखने को मिलता है, और मुश्किलात ना हो तो काम का मज़ा ही कोई नहीं। कैसे आप दोनों ये करते हैं, जैसे क्रिकेट भी हो गया ये फिल्म, कैसे दोनों? नहीं, ये दो दुनिया ही अलग हैं, इनको आप कंपेयर नहीं कर सकते, वो एक रियलिटी है और ये एक पूरा फिक्शन है, तो ये दो अलग दुनिया है, इनको कंपेयर करना भी नहीं चाहिए किसी आदमी को, और दोनों की अपनी अहमियत है, दोनों की अपनी मुश्किलात है, और दोनों के अपने बेनिफिट्स भी हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन दो अलग दुनिया है। जैसे आप इस दुनिया में आ गए तो क्या आगे भी अगर फिल्में मिली करते रहे? अगर मेरा ही होता तो फिर सारी दुनिया ऐसे सोच के आती, आ गए मैं आ गया हूँ, काम आप लोग देखेंगे, अगर आप पसंद करोगे तो ही मुझे रखोगे, नहीं तो भगा दोगे मार्केट। इस फिल्म से क्या उम्मीद है आपकी, पहली फिल्म? जो हर फिल्म से हर एक को उम्मीद होती है, जो आप रोज़ लाइनें सुनते हैं कि हम उम्मीद यही करते हैं कि अच्छा हो, ये हो, वो ऐसी कोई खास उम्मीद नहीं, लेकिन जो प्रोजेक्ट है उसको इतना इन्जॉय किया है हमने, क्योंकि जो आप कास्ट भी देखें, सनी जी हैं, सुनील है, और मैं एक बिल्कुल नया आदमी हूँ, तो जब आप पिक्चर देखेंगे तब आप रियलाइज़ करेंगे मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, कि जो इन्जॉयमेंट पार्ट रहा है थ्रू आउट द मूवी, चाहे कोई भी सिचुएशंस में हो, और मेरा जो किरदार है उसका काम ही यह है कि इन्जॉय करता रहे, चाहे वो दोस्ती में हो, जेल में हो, या उसके बाद हो, तो हर सिचुएशन को खुशी से जीने की कोशिश की है। क्रिकेटर बनने का तो आपने सोचा था, क्या एक्टर भी बनेंगे आगे जाके, ऐसा सोचा था? नहीं, ऐसा सोचा नहीं था, ये तो ऊपर वाले की देन है कि ऐसा मौका मुझे मिला, मैं तो क्या, जैसे मैंने पहले भी कहा कि कोई भी किसी भी आदमी को ये ऑफर मिले या ये मौका मिले कोई नहीं छोड़ेगा, अगर आपको मिलेंगे तो आप भी नहीं छोड़ेंगे। मतलब ये कोई भी फिल्म का ऑफर है कि इस फिल्म में ऐसा कुछ था? नहीं, कोई भी फिल्म का नहीं, फिल्म में जैसे मैंने कहा कि मेरा कैरेक्टर की जो मैंने बात की, मैं मेनली कंसर्न होता हूँ अपने कैरेक्टर से, क्योंकि एक जो फिल्म में बड़ा प्रोजेक्ट होता है उसमें काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व है मैंने कहा, लेकिन हर एक का रोल है, जो छोटा मेरा रोल है, स्पॉट बॉय का अपना रोल है, लाइट मैन का अपना रोल है, जो मेरा रोल है वो मैं देखता हूँ कि मैं ये काम अच्छी तरह कर सकता हूँ कि नहीं, अगर मैं वो काम कर सकता हूँ तो मैं उस प्रोजेक्ट के साथ रहता हूँ। जैसे मैंने कहा कि घुस चुका जरूर हूँ, लेकिन ये नहीं है कि, उन्होंने ये भी पूछा था कि आप रहेंगे नहीं रहेंगे, क्योंकि मैं घुसा जब या आया मैं इधर, मेरे को मौका मिला तब मेरी क्रिकेट बंद थी, क्रिकेट खेलना मना था, क्रिकेट हमेशा प्रायोरिटी रही है, वो खेलने की जरूर रहेगी, और कितना रहूँगा, क्या किरदार मिलेंगे वो आप लोगों के ऊपर है, जब पिक्चर आएगी आप मेरा काम देखेंगे, अगर काम अच्छा होगा तो ही काम मिलेगा, नहीं तो मेरे कहने से तो कोई काम देगा नहीं मुझे। मैं सोचता हूँ सब बड़े आर्टिस्टों को देखा है मैंने, एक आध का कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब जेल में हूँ तो किसी के बारे में सोचना पड़ता है, अगर मैं रोमांटिक कोई सीन कर रहा हूँ तो किसी के बारे में सोचना, एक्शन कर रहे हो तो यहाँ एक्शन में दो बड़े हमारे हीरो हैं अपने पास, तो इनसे बड़े क्या हीरो होंगे। अक्सर देखा गया कि क्रिकेट से जुड़ी जैसे एक दो प्लेयर के नाम ले लो, फिल्म इंडस्ट्री में लगता है तो काफ़ी सक्सेस नहीं मिल पाई उनको,
बिल्कुल ठीक बात है, ये आसान काम तो है नहीं कि सक्सेस, अगर आप देखें तो साल में 100-150 नए कैरेक्टर्स आते हैं या आर्टिस्ट आते हैं, लेकिन सब नहीं रुक पाते, तो मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, आप पिक्चर देख के इसका जवाब पता चलेगा। अभी मेरे कहने से तो नहीं होगा कि मेरा सक्सेस होगा या नहीं, मैं सोचता हूँ मेरा काम ही बोलेगा मेरे को कब बोलना चाहिए। फिल्मों के बाद अगर टीवी सीरियल्स के ऑफर आते हैं तो करना पसंद करेंगे? मैं काम को काम की तरह लेता हूँ, चाहे वो टीवी पे हो, यहाँ पे हो या ग्राउंड पे हो, क्योंकि हर काम उस स्टेज पे देखा जाता है। जैसे अभी मैं स्टेज पे भी नाचने वाला हूँ, तो उसके लिए अभी रिहर्सल कर रहा हूँ, उसकी कोशिश कर रहा हूँ, अगर वो काम ठीक कर पाऊँगा तो ही स्टेज पे जाऊँगा। बिल्कुल, वो हमेशा पहला रहा है और वही कंटिन्यू, क्योंकि अपने घर में अपनी दुकान बंद करके दूसरे की दुकान नहीं खोलनी चाहिए कभी, ये तो ऑप्शन नहीं था मेरे पास। क्रिकेट नहीं खेल सकता, अगर आज भी क्रिकेट का मैच हो, जैसे शूट था और रणजी ट्रॉफी का मैच था, तो मैंने इनको कहा था कि मेरे को इन दिनों छोड़ दीजिए क्योंकि मैं मैच खेलने जाऊँगा, वो हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी।